है गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। तो सुबह हो चुका है और मैं रेडी क्यों हूँ मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अभी आज जा रहे हैं हम लोग बनारस भैया के शादी का कार्ड बनवाने के लिए, मतलब कार्ड बनवाने के लिए जा रहे हैं। और आज ही हम लोग डिसाइड करेंगे, डिज़ाइन वगैरह सब कुछ देखेंगे वहाँ पे, जो भी दिखाया जाएगा उसमें सेलेक्ट करेंगे। कि हम लोग रेडी हो चुके, निकल रहे हैं, स्टार्टिंग से ब्लॉग नहीं दिया अभी रेडी होकर, क्योंकि लेट हो रहा है। आकर मैं हम लोग मम्मी ने गाड़ी में बैठे, मैं मम्मी चाचा जा रहे हैं, बस थोड़ी देर में निकलेंगे। और अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं, अभी निकलेंगे, जाने में 2 घंटे लगेंगे क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है। ये देखो यहीं से ट्रैफिक स्टार्ट हो गया, यहाँ मम्मी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ है। मेरी दुकान मम्मी बात कर रही हैं और मैं भी बैठे बैठे अपना एक वीडियो एडिट करती हूँ, बस टाइम पास भी हो गया, वीडियो भी एडिट हो गया, क्योंकि वीडियो एडिट करने में ना बहुत मेहनत लगता है। एडिट कर लिया, एक वीडियो एडिट आधा एडिट किया था, करती है तो गाइस अभी मेरे कैमरे में बहुत अच्छा दिख रहा होगा, क्योंकि ना मेरे कैमरे के ऊपर जो मतलब होल्डर लगा था, शीशा लगा होता है ना कैमरे के ऊपर, वो शीशा ही टूट गया। मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये देखो दिख रहा है आपको, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ, देखो शीशा इतना वो लगा हुआ था कैमरे के ऊपर, मैंने तोड़ के निकाल दिया। ऑलरेडी मेरा थोड़ा सा ना कैमरे के ऊपर का शीशा टूटा हुआ था, तो मैंने इसको निकाल दिया, तो बहुत ज़्यादा क्लियर वीडियो बन गया। बट मुझे अभी थोड़ा सा अभी प्रोटेक्ट के लिए ये शीशा लगा हुआ था, पूरा शीशा कवर था, बट इतना सा टूट गया, तो अभी मैंने उसको निकाले, तो कैमरे का बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। बट मैं एक बार जाकर दिखा दूँगी कि कैमरे पे शीशा लग सकता है कि नहीं। मैं बहुत खुश हो गई हूँ, चलो प्लेट से ही गई, मुझे नहीं पता था कि शीशा निकल सकता है, मतलब निकला नहीं, वो ना टूट चुका है, तो मैं उसको निकल के खींच दी हूँ। अभी कितना अभी मेरे को ओरिजिनल क्या, बहुत मिस कर रही थी इस कैमरे को। आप इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हो, फिर क्या है किस नाम से, क्लीन एंड क्लासिक के नाम से, सेम एक ही नाम से, मतलब 7 बजे ने ओके, मतलब सबको करना, दुल्हन को छोड़ कर कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हम लोग ये हुकुलगंज में ही एक लोगों की पूरी टीम की ही थी, करीबन उनकी चाची मौसी नानी सबकी थी, तो सबका हो जाता है, जेंट्स लोग का जेंट्स लेकिन आ चुके हैं वही कार्ड, बहुत सारे कार्ड काटे हैं यहाँ पे। मनोज भैया कहाँ हैं, वो बाहर गए ना, तो यहाँ से एक सैंपल लेकर जाना पड़ेगा क्या बनवाने के लिए, छपवाने के लिए कार्ड लेंगे ना, उसको सैंपल निकालेगा खुद ही। ओके कुछ बॉक्स वगैरह वाला, सैंपल्स
सो गाइस कार्ड के लिए हम लोग फर्स्ट शॉप पे आए, यहाँ पे ढूंढते ढूंढते आए, मैं बहुत कलेक्शन थे बट हमें कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं आया, जैसा चाह रहा तो वैसा नहीं मिला। फिर उसके बाद हम लोग आ गए बैंड बाजा के लिए, बुकिंग के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों को वीडियो चला कर उन्होंने दिखाया भी, यहाँ पे मैं मम्मी बैठे हैं, चाचा ही बात कर रहे थे, बुक कर रहे थे, तो ज़्यादा वीडियो नहीं लिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी फिर दूसरे शॉप पर गए तो वहाँ पे भी मतलब वहाँ पे अलाउ नहीं था वीडियोज़ बनाना या फ़ोटो क्लिक करना। वो बोल रहे थे आपको चाहो वीडियो कॉल पे किसी को दिखाना है तो दिखा सकते हो, बट वीडियो और फ़ोटो अलाउड नहीं है। तो बस थोड़ा बहुत ही हमने वीडियो बनाया और थोड़ा सा लिया, बाकी नहीं लिया हमने। बहुत ज़्यादा कार्ड देखा, यहाँ का कार्ड मुझे पसंद आ रहा था और एक कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अब मुझे नहीं पता वो कार्ड हम लोग ले पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बुकिंग हो चुका है दूसरा कार्ड का, ऑर्डर दिला गया है। अब वो कार्ड मिलेगा कि नहीं वो आपको बाद में पता चलेगा, और हमें भी नहीं पता क्योंकि भैया को भी पसंद आया था। भैया ने बोला कि लेंगे हम, मैं जाकर वहाँ पे बात करूँगा। फिर कार्ड का तो ऑर्डर दिला गया, वो कौन सा कार्ड है वो आपको बाद में पता चलेगा जब कार्ड छप कर आ जाएगा। एंड भूख काफ़ी तेज़ लगा था तो हम लोग आ गए थे खाने के लिए। तो खाने में क्या ऑर्डर किया था, डोसा ऑर्डर किया था, ककलेट ऑर्डर किया था और छोले भटूरे ऑर्डर किया था और मिठाई वगैरह ऑर्डर किया था। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी खाना था यहाँ का। और भूख पेट भरने के बाद यहाँ पे आ गए हम लोग साड़ी लेने के लिए, कुछ कुछ साड़ी भाभी के लिए और कुछ साड़ी किसी को देने के लिए भी है। तो वो सब मम्मी ने लिया, मैं काफ़ी बोर हो रही थी साड़ी देख देख कर, मुझे मन नहीं कर रहा था, मुझे बोरिंग लग रहा था, काफ़ी थक चुकी थी और सर में भी बहुत दर्द हो रहा था साड़ी लेने के बाद। ये लास्ट काम हम लोगों का, तीन काम मतलब तीन काम लेकर आए थे वो हो चुका था। देन हम लोग घर के लिए निकल गए और फिर रास्ते में चाचा ने लिया चाट, हम लोगों ने चाट खाया, ठीक था, बहुत टेस्टी नहीं था, मीठा मीठा लग रहा था बट ठीक था, थोड़ा भूख लग गया था। देन हम लोग खाना नहीं खाए थे क्योंकि लेट में दोपहर का खाना खाया था हम लोगों ने रेस्टोरेंट में, फिर उसके बाद घर पर आ गए। मैं घर पे आ चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा कैमरा सही हो गया है, कैमरा सही हो गया। ऊपर का मैंने वो थोड़ा सा कांच टूट गया तो मैंने उसको निकाल दिया और देखो कितना क्लीन हो रहा है, मैं बहुत खुश। जा रही थी घर से तभी निकाल दिया, टूटा हुआ लग रहा था तो मैंने हाथ से खींच दिया। अभी मैं बहुत 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 खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा कैमरा सही हो गया। और घर पर आ चुकी हूँ, सारा काम हो चुका है, कार्ड के लिए ऑर्डर दे दिया है, बैंड बाजा के लिए ऑर्डर दे दिया है और मम्मी को भाभी को देने के लिए साड़ी लेना तो वो भी हो गया। बाकी अभी जा रहे हैं कपड़े चेंज करने, खाना वाना खाएंगे एंड देन बाकी वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। बाय 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 बाय, और कुछ होगा तो मैं दिखाऊंगी।